हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गुलदस्ता में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। आज हम बनाएंगे हमारे मिथिला का बहुत ही स्वादिष्ट और पारंपरिक अदौरी, दनौरी और तिलौरी। ये तीनों ही चीज़ों को गर्मियों के मौसम में बनाकर सुखाकर रख लिया जाता है और सालों भर इसका उपयोग सब्जी के लिए और दोपहर के खाने में तिलौरी और दनौरी को तल करके हम खाते हैं। तो इस तरह से आप ये अधिक मात्रा में बना करके रख लें और इसका उपयोग आप सालों भर आप इसे खाने के लिए प्रयोग करें, या फिर इस तरह की चीज़ें मिथिला में बहुत सारी सब्जियों को भी सुखा कर हम रखते हैं, जिसका कि खासकर जब बारिश के मौसम में सब्जियों की किल्लत हो या घर में आपके पास अभी कोई सब्जी नहीं हो तो तुरंत इन सब चीज़ों का हम उपयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं और इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमें चाहिए उड़द की दाल। अब जितनी मात्रा में बना रहे हो अदौरी, दनौरी, तिलौरी, उस हिसाब से दाल लें और इस दाल को 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो दें। धो करके फिर इसे 6 से 7 घंटे के लिए भींगने के लिए हमें रख देना है। 6 से 7 घंटा हमारा हो चुका है दाल को भींगे हुए, तो अब फिर से इसे हम 3 से 4 बार अच्छी तरह से हाथों से दाल को मल करके और फिर धो लेंगे और उसके बाद इसे हमें पीसना है। दाल को बिल्कुल थोड़ा पानी डालते हुए काफ़ी बारीक पीसना है, लेकिन जो हमारा बैटर हो वो थिक हो ताकि अदौरी जब हम खोटे तो गोल गोल हो और वो ज़्यादा फैले नहीं। दाल हमारा पीस चुका है तो अब इस दाल को हमें 3 चीज़ें बनानी है। तो जितने की हमें अदौरी बनानी है वो हम अलग कर लेंगे और सबसे पहले इसे थोड़ा सा हाथों से इसे हम चलाएंगे थोड़ी देर। इसे इस तरह से हाथों से चलाना है थोड़ी देर ताकि जो अदौरी हमारा हो बिल्कुल हल्का हो, इससे दाल बिल्कुल हल्का हो जाएगा और हमारा जो दाल है पिसा हुआ वो अदौरी बनाने के लिए तैयार है या नहीं ये चेक करने के लिए इस तरह से एक कटोरे में पानी रखेंगे और उसमें एक छोटा सा अदौरी हम बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो हमने इसमें अदौरी बना के डाला वो इसके ऊपर तैर रहा है, यानी कि बेसन हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे हींग। हींग आप अदौरी बनाते समय ज़रूर डालें क्योंकि ये इसका प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है और चूंकि इसे हम धूप में सुखाते हैं तो इसमें हींग की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू भी नहीं रहती है। तो हींग आप इसे ज़रूर डालें ताकि इसे बनाकर काफ़ी दिनों तक रखना होता है तो ये ख़राब नहीं होगा। और फिर इसे थोड़ा सा चला लेंगे हाथों से और अब ये तैयार है अदौरी के बनाने के लिए। और अब हम अदौरी को एक प्लास्टिक पे फोट लेंगे, जिससे कि प्लास्टिक पर बनाने में ये फ़ायदा होता है कि निकालते समय ये ज़्यादा इससे चिपकता नहीं है और आसानी से ये निकल आता है। तो इसे इस तरह से छोटा छोटा इसके ऊपर में अदौरी हमें बना लेना है। इसी तरह से हमें आराम से गोल गोल इसे बनाना है। हाथों में थोड़ा सा पानी आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरह से आप पहली बार बना रहे हों और नहीं बना पा रहे हैं तो इसके लिए एक प्लास्टिक में इस तरह से जैसे मेहंदी के लिए खूब बनाते हैं उसी तरह से बेसन को भर ले और फिर इसे हाथों से इस तरह से प्रेस करके सभी को इस कोने पे ले आए और अब इसे हम कट कर लेंगे। अदौरी जिस साइज में बनाने हैं उस हिसाब से इसका कोना इस तरह से हम कट कर लेंगे और फिर इस तरह से आसानी से आप फटाफट बहुत ही तेज़ी से ये सारा अदौरी बन जाता है। तो अगर आप हाथों से नहीं बना पाए तो ये कोन बना करके बना, ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो इसी तरह से हम सारा अदौरी बना लेंगे।
और अब हम बनाएंगे तिलौरी। तो इस पीसे हुए उड़द के दाल में हम मिक्स करेंगे तिल, सफ़ेद तिल, और इसकी मात्रा आपका बेसन जितने का आप तिलौरी बना रहे हों उस हिसाब से रखें। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जितना पिसा हुआ ये दाल है उस हिसाब से हम ये लगभग एक छोटा कटोरी इसमें हम सफ़ेद तिल डाले हैं। और इसमें अब हम मिक्स करेंगे नमक, नमक स्वाद के अनुसार और जितनी क्वांटिटी हो आपकी तिलौरी बनाने की बेसन की उस हिसाब से रखें। और इसे फिर से हमें मिक्स करना है, अच्छे से हाथों से इसे मिलाना है ताकि इसे भी अदौरी की तरह ही हल्का होना चाहिए। और फिर से इसे हम पानी में डालकर हल्का सा चेक कर लेंगे कि ये हल्का हो गया है और तिलौरी बनने के लिए तैयार है। तो अब देख रहे हैं कि इसके ऊपर ही ये आ गया, जैसे इसमें हम हल्का सा कोटे तो ये ऊपर आ गया उठ करके। इस तरह से एक प्लास्टिक के ऊपर ही छोटा छोटा कोट लेंगे। तिलौरी को छोटा छोटा ही साइज में कोटा जाता है, तो इस तरह से इसे कोटे और थोड़ा सा दूरी रखें एक दूसरे के बीच में ताकि ये फैल करके चिपके नहीं एक दूसरे से। और अगर आप हाथों से इस तरह से नहीं बना सके तो जैसे अदौरी को पॉलीथीन से हमने बनाया है पॉलीथीन बैग में डाल करके, इस तरह से आप इसे भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से हमें सारा तिलौरी बना करके तैयार कर लेना है। और अब हम बनाएंगे दनौरी। तो इसी बेसन में हमें डालना है पोस्ता दाना, जिसको खसखस या पॉपी सीड कहते हैं, और इसमें भी एक छोटा कटोरी, लगभग छोटा कटोरी हम ये पॉपी सीड डालेंगे। और अब डालेंगे इसमें हम नमक, और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। तिलौरी दनौरी बनाते समय हमें तिल और दाना इतना रखना चाहिए कि जब हम तिलौरी दनौरी बनाएं तो उसके ऊपर में तिल और ये पोस्ते का दाना अच्छे से दिखे। तो इसे मिक्स कर लेंगे हम और पानी में डाल करके इसे भी हम चेक करेंगे कि ये हल्का हुआ या नहीं। तो अब देख रहे हैं कि ऊपर में ये जो हमने छोटा सा इसमें एक दनौरी डाला तो वो ऊपर आ गया है, तैरने लगा। तो हमारा जो बेसन है वो तैयार है। तो अब हम इसे दनौरी बना लेंगे इस तरह से एक पॉलीथीन के ऊपर ही। इसे भी हम छोटा छोटे साइज में दनौरी बना लेंगे सारा। और इसे भी आपको अगर बनाने में हाथ से दिक्कत हो, पहली बार बना रहे हैं, तो जिस तरह से हमने अदौरी को बनाया है पॉलीथीन बैग में डाल करके, आप उससे भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से हमें सारे दनौरी को बना लेना है। और इस तरह से हमारा तीनों ही चीज़ अदौरी, तिलौरी और दनौरी बनके तैयार है। अब इसे हमें तेज़ धूप में लगभग 2 से 3 दिन अभी हम सुखाएंगे, जिसके बाद ये अपने आप प्लास्टिक से निकलने लगेगा। प्लास्टिक पे जो अभी चिपका हुआ है वो अलग हो जाएगा। करीब 3 दिन हम सुखाए हैं, तो उसके बाद इसे हम निकाल करके अलग से थाली में रख लिए हैं। और अब इस अदौरी, दनौरी, तिलौरी तीनों चीज़ों को करीब 3 से 4 दिन और हम धूप दिखाएंगे, और इसे तेज़ धूप में रखना है, और तभी आप अदौरी, दनौरी, तिलौरी बनाएं जब धूप बहुत तेज़ हो। अगर थोड़ा सा भी इसमें धूप कम लगेगा तो ये काला भी हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है। और इस तरह से करीब 5 से 6 दिन हमें धूप इसे लगाया है और ये अब बन के तैयार है। तो इसे इस तरह से किसी भी एयर टाइट डब्बे में हमें सभी को बंद करके रख लेना है। इसे अब जितनी भी अधिक मात्रा में बना के रखना चाहें तो रखें,
और सालों साल ये रहता है, ये खराब नहीं होता। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि इसे तो हम अभी धूप काल के समय में बनाएंगे, तो जब बारिश का मौसम गुजर जाए तो उसके बाद जब तेज धूप हो तो थोड़ा सा इसे हमें 1-2 दिन के लिए धूप लगा देना है, ताकि ये खराब नहीं हो और बारिश में हल्का सा जो भी इसके अंदर मॉइस्चर गया हो वो सूख जाए। तो इसी तरह से आप भी बनाएं और बना करके रखें घरों में, ताकि जब भी कुछ कोई सब्जी ना हो घर में या कोई अचानक से कोई आ गया, तभी हम इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है हमारे घरों में। और इसीलिए मैथिल हर घरों में ये गर्मियों के दिनों में बनाकर रखा ही जाता है। तो आप भी इसे बनाएं और मैथिल स्वाद को जानें। आइए अब हम आपको बताते हैं कि दनौरी और तिलौरी को तलते कैसे हैं और फिर उसे खाने के लिए कैसे उपयोग करते हैं। तो गैस हम ऑन कर लिए हैं, कढ़ाही हमारा गर्म हो रहा है। इसमें हम सरसों का तेल गर्म करेंगे। इसे सरसों के तेल में ही बनाएं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। इसे इस तरह से एक छोटा सा तिलौरी डाल करके हम आपको दिखा रहे हैं कैसे तेल को चेक करना है। अब देख रहे हैं कि ये तिलौरी इसमें धीरे धीरे से ऊपर आ रहा है। तो तेल हमारा इतना ही गर्म होना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा गर्म होगा तेल तो जल जाएगा हमारा तिलौरी। तो आँच अब हम यहाँ पे मध्यम कर लेंगे, मीडियम कर लेंगे, तेज आँच नहीं रखेंगे। और बाकी का इसमें हम डालेंगे तिलौरी, और इससे चलाते हुए ही हल्का सा, आप देख रहे हैं गुलाबी हुआ, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। और इसी तरह से इसमें अब हम दनौरी डालेंगे और उसे भी हमें चलाना है। बस आँच का ध्यान रखना है। आंच तेज ना हो, बस चलाते हुए ही हल्का सा गुलाबी होते ही इसे भी हम निकाल लेंगे। और इस तरह से हमारा तिलौरी और दनौरी छन चुका है। इसे दोपहर के खाने के समय हम इस तरह से, जैसे हम भात दाल सब्जी के साथ इसे खाते हैं, ये बहुत ही कुरकुरा सा स्वादिष्ट दनोरी और तिलौरी खाने में लगता है। और इस तरह की चीजें मैथिल घरों में बना करके सालों भर के लिए रखा जाता है, जिससे कि अचानक कोई भी आपके घर आए तो तुरंत इसे आप बना लें और इसमें ज़्यादा आपको समय नहीं लगता है। तो इस तरह से आप भी ये बनाकर जरूर खाएं और हमें भी कमेंट करके बताएं कि आपको ये मैथिल स्वाद कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्वाद के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।